पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। सभी श्रोताओं का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रभाकर पांडे लेकर आया हूँ आज का राशिफल। तो चलिए बात कर लेते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातक, वृष राशि में चंद्रमा की स्थिति आपको एक अद्भुत आवाज़ और अपनी वाक्पटुता के माध्यम से बाधाओं को दूर करने की शक्ति का आशीर्वाद देती है। आपका संचार कौशल अपने चरम पर है, जिससे यह आपके विचारों को व्यक्त करने और दूसरों से जुड़ने के लिए एक उत्कृष्ट दिन है, क्योंकि आपका अंतर्निहित आकर्षण और प्रेरक क्षमताएं नए अवसरों के द्वार खोलती है। महंगी गाड़ियां या धन के अन्य प्रतीकों में निवेश पर भी विचार करें। अपने जन्मजात भाग्य पर भरोसा रखें और अपने आसपास के मौजूद प्रचुरता का आनंद लें। चमकते रहो। आज आपका शुभ अंक 9 है, शुभ रंग भूरा है और आज आपका शुभ समय प्रातः 8 बजे से 9:30 तक बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जातक, आज चंद्रमा की बहुत मजबूत स्थिति आपके प्राकृतिक आकर्षण और संपूर्णतावादी प्रवृत्ति को बढ़ाती है। आपका आकर्षक और सुंदर व्यक्तित्व चमकेगा, जिससे आपके आसपास के लोग सकारात्मक ध्यान आकर्षित करेंगे और प्रशंसा करेंगे। आलस्य में लिप्त होने के प्रलोभन से सावधान रहें। सक्रिय और केंद्रीय रहने से आपको एक शक्तिशाली ऊर्जा का अधिकतम लाभ उठाने में मदद मिलेगी। इस दिन का उपयोग अपने लक्ष्य को निखारने और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने के लिए करें। आपको यह मिल गया है। आज आपका शुभ अंक 8 है, शुभ रंग पीला है और आज आपका शुभ समय 2:45 शाम से 4:15 शाम तक बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातक, आज वृष राशि में चंद्रमा की स्थिति चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण लेकर आई है। आप खुद को जरूरत से ज़्यादा बोलते हुए पा सकते हैं। अवसर अपनी वास्तविकता से परे, अनावश्यक खर्चों से सावधान रहें और आवेगपूर्ण खर्चों पर अंकुश लगाने का प्रयास करें। मानसिक शांति मायावी लग सकती है, तनाव बढ़ सकती है और आपकी वाणी सामान्य से अधिक आक्रामक हो सकती है। अनिद्रा और नींद संबंधी विकार भी चिंता का विषय हो सकते हैं। याद रखें, प्रत्येक चुनौती व्यक्तिगत विकास के लिए एक सीढ़ी है। सकारात्मक और लचीले रहें। और आज आपका शुभ अंक 6 है, शुभ रंग समुद्र हरा है और आज आपका शुभ समय शाम 6 बजे से शाम 7:30 तक बहुत ही भाग्यशाली साबित हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातक, आज वृषभ राशि में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए स्थिरता और प्रचुरता की लहर लाती है। आप अपने प्रयासों में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए तैयार रहें, खासकर उन क्षेत्रों में जो अनिश्चित रहे हैं। आपकी इच्छाएं पहुंच के भीतर हैं और ब्रह्मांड उन्हें पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। अपने लाभकारी मित्रों के बड़े समूह के समर्थन को स्वीकार करें, क्योंकि वे आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वित्त में महारत हासिल करने की आपकी स्वाभाविक क्षमता आज चमकेगी और आपको बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करेगी। आज आपका शुभ अंक 1 है, शुभ रंग फिरोजा है और आज आपका शुभ समय 3:30 शाम से 5 बजे शाम तक बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातक, आज वृषभ राशि में चंद्रमा की स्थिति आपके कैरियर में वृद्धि और विस्तार लाती है। आपकी मानसिक शक्ति अपने चरम पर है, जो आपको किसी भी चुनौती से निडर होकर डटे रहने में सक्षम बनाती है। विदेशी देशों या विदेशी उद्यमों के साथ सहयोग करने के अवसर क्षितिज पर है, जो रोमांचक नई भावनाओं का वादा करते हैं। संपत्ति खरीदने या महत्वपूर्ण निवेश करने के लिए भी यह अनुकूल समय। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और अपने लक्ष्य की ओर साहसिक कदम उठाएं। आज आपका शुभ अंक 8 है, शुभ रंग सफ़ेद है और आज आपका शुभ समय 6 बजे शाम से 7:30 शाम तक बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातक, आज वृषभ राशि में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए भाग्य और सौभाग्य की लहर लाती है। आपका मेहनती स्वभाव चमक उठेगा, जिससे यह महत्वाकांक्षी परियोजनाओं या शैक्षणिक गतिविधियों से निपटने के लिए एक उत्कृष्ट दिन बन जाएगा।
अपने आध्यात्मिक पक्ष को अपनाएं, क्योंकि आपके विश्वासों से गहरा संबंध मार्गदर्शन और शांति प्रदान कर सकता है। विदेश में छोटी यात्राएं हो सकती है जो विकास और रोमांचक अवसर प्रदान करेगी। दिन की ऊर्जा सहायक और सशक्त है, जो आपको केंद्रित और आशावादी बने रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। आज आपका शुभ अंक 7 है, शुभ रंग गहरा नीला है और आज आपका शुभ समय 5:15 शाम से 6:45 शाम तक बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातक वृष राशि में चंद्रमा की स्थिति मिश्रित ऊर्जा लेकर आई है। आपको अनिद्रा और अधिक सोचने सहित बार बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आत्म देखभाल और सचेतना को प्राथमिकता देना संपूर्ण महत्वपूर्ण है। हालांकि यह ब्रह्मांडीय संरेखण अचानक धन के अवसर भी बनाता है, जिससे यह वित्तीय लाभ के लिए अनुकूल समय बन जाता है। चुनौतियां अस्थायी है और आपका लचीलापन आपको समृद्धि की ओर ले जाएगा। अपना उत्साह ऊंचा रखें और आपके लिए ब्रह्मांड की योजना पर भरोसा रखें। आज का शुभ अंक 9 है, शुभ रंग भूरा है और आज आपका शुभ समय 1:45 शाम से 3:15 शाम तक बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातक वृषभ राशि में चंद्रमा की उपस्थिति एक आधारभूत ऊर्जा लाती है, जो आपके प्राकृतिक आकर्षण और भावुक स्वभाव को बढ़ाती है। आपकी कोमलता और अच्छा व्यवहार चमकेगा, जिससे आप अपने आसपास के लोगों के लिए विशेष रूप से आकर्षक और प्रिय बनेंगे। रिश्तों में सफलता विशेषकर विवाह के बाद उजागर होती है, इसलिए अपने साथी के प्यार और समर्थन को स्वीकार करें। आपकी मीठा खाने की चाहत आज आपको लुभा सकती है, लेकिन लालच से बचने के लिए भोग विलास का ध्यान रखें। याद रखें, आपकी जन्मजात लचीलापन और दृढ़ संकल्प आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। आज आपका शुभ अंक 2 है, शुभ रंग सलेटी है और आज आपका शुभ समय 11:00 से 12:30 तक बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जातक वृषभ राशि में चंद्रमा की स्थिति एक शक्तिशाली विपरीत राजयोग को सक्रिय करती है, जो दर्शाता है कि आपकी कड़ी मेहनत और संघर्ष आखिरकार रंग लाना शुरू कर देंगे। सफलता क्षितिज पर है, लेकिन याद रखें, धैर्य महत्वपूर्ण है। आपका गुस्सा भड़क सकता है, इसलिए अपनी शांति बनाए रखने के लिए सचेतना का अभ्यास करें। अनिद्रा या निद्रा की गड़बड़ी एक समस्या हो सकती है, इसलिए सोने से पहले विश्राम तकनीकी को प्राथमिकता दें। एक रोमांचक विदेश यात्रा भी सितारों में है, जो नए अवसर और रोमांच प्रदान करती है। आज आपका शुभ अंक 8 है, शुभ रंग सुनहरा है और आज आपका शुभ समय 5:15 शाम से 6:45 शाम तक बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातक आज वृषभ राशि में चंद्रमा की स्थिति आपकी बुद्धि और दृढ़ संकल्प को बढ़ाती है, जिससे यह जटिल कार्यों से निपटने और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए एक आदर्श दिन बन जाएगा। आपकी रचनात्मकता और कल्पनशीलता सर्वकालिक उच्च स्तर पर है, जो आपको दायरे से बाहर सोचने और नवीन समाधानों के साथ आने की अनुमति देती है। रिश्तों के लिए भी यह एक अनुकूल अवधि है, इसलिए प्रियजनों के साथ जुड़ने और अन्य संबंधी को मजबूत करने के लिए समय निकालें। बच्चों के साथ आपकी स्वाभाविक आत्मीयता चमकेगी, जिससे आपके आसपास के युवाओं को खुशी और प्रेरणा मिलेगी। दिन की ऊर्जा को आत्मविश्वास के साथ अपनाएं, यह जानते हुए कि आपकी अद्वितीय प्रतिभाएं और अंतर्दृष्टि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। आज आपका शुभ अंक 8 है, शुभ रंग बैगनी है और आज आपका शुभ समय प्रातः 9:00 से प्रातः 10:30 तक बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जातक आज चंद्रमा के वृष राशि में स्थित होने से आप घर में आराम और सुरक्षा का गहरा एहसास महसूस करेंगे। यह खगोलीय संरेखण आपको दिशात्मक शक्ति प्रदान करता है, आपको बुद्धिमान वित्तीय निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता है। विशेष रूप से भूमि या संपत्ति प्राप्त करने में संसाधनों को प्रबंधित करने की आपकी जन्मजात क्षमता चमकेगी, जिससे आप एक स्थिर और समृद्ध वातावरण बना सकेंगे। अपने आसपास की सुख सुविधाओं का आनंद लेने के लिए समय निकालें।
और वित्तीय मामलों में अपनी समझ पर भरोसा रखें। आज का दिन अपने भविष्य को लेकर दृढ़ सुरक्षित और आशावादी महसूस करने का दिन है। आज आपका शुभ अंक 6 है, शुभ रंग गुलाबी है और आज आपका शुभ समय प्रातः 8:30 से 10 तक बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातक, आज चंद्रमा के वृषभ राशि पर आने से आपका मेहनती और समर्पित स्वभाव चमक रहा है। आपका साहस और बहादुरी आपके रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने में आपकी मदद करेगी। अपने विनम्र और नरम दिल वाले व्यवहार को अपनाएं, क्योंकि यह सकारात्मक बातचीत और धर्मार्थ कार्य के अवसरों को आकर्षित करेगा। छोटी यात्राएं हो सकती है, मुख्य विषयों में दृढ़ता, दयालुता और अन्वेषण शामिल है। आज आपका दिन सार्थक संबंध बनाने और साहसिक कदम आगे बढ़ाने का है। आज आपका शुभ अंक 3 है, शुभ रंग मैजेंटा है और आज आपका शुभ समय 1 शाम से 2:30 शाम तक बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाला है। तो फिलहाल इस राशिफल में बस इतना ही। आगे के राशिफल के लिए जुड़े रहे हैं मेरे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।